चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से लालता रोड से खंडेहा चौराहा गोदाम घर तक हम आपको ले चलते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि लालता रोड से और बीच में जो जो कस्बे यानी गांव आते हैं वहां के बारे में हमको पूरी जानकारी देंगे। और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए तो वीडियो को फिर शुरू करते हैं। दोस्तों फिर हम आ गए हैं लालता रोड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लालता रोड चौराहा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड में दिख रहा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र बंद है प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पे लालता रोड हॉस्पिटल एक शिव क्लिनिक है जो यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है। लालता रोड सबसे बड़ी हॉस्पिटल यही है ये कभी प्रेजेंट टाइम में। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे यहाँ पे थोक विक्रेता गल्ला की जो यहाँ पे गल्ला बिक्री जैसे गेहूं चावल कोई भी गल्ला आपके पास हो थोक विक्रेता दुकान है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक कोई भी घर का निर्माण नहीं हो रहा था लेकिन प्रेजेंट टाइम में विकास ज़्यादा हो रहा है और हर जगह घर घर ही घर दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह प्लाट ही प्लाट बन रहे हैं यानी रोड के किनारे जो हैं प्लाट ही हर जगह बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी दुकानें तंबू तान के लगाया गया है और यहाँ पे बियर का ठेका की दुकान है। जैसे कि आप देख रहे हैं बियर की ठेके की दुकान है यहाँ पे सरकारी बियर की जो ठेके की दुकान होती है यहीं पे है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम चल चुके हैं लालता रोड से खंडेहा की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हरियाली छाई हुई है और ये जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर पे हरियाली आपको दिख रही है और हरियाली के साथ साथ यहाँ पे घर भी बने हुए हैं और बगल बगल दुकानें भी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो नहर है जो जुरवाड़ा की तरफ रोड गई है और एक ये जो एक रोड चली गई है और ये जो दूसरी रोड है ये आपको मोहनी की जो ये गांव है मोहनी जो एक कस्बा है ये मोहनी का कस्बा दिख रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दूर दूर तक खेत ही नज़र आ रहे हैं और घर नज़र आ रहा है। जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं मोहनी का बोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दुकानें भी रोड के साइड साइड दुकानें भी हैं जो कि लोग जाने वाले आने जाने वाले लोग यहीं से निकलते हैं और अपना दुकान में जो सामान लेते हैं ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मोहनी की रोड गई है ये मोहनी गाँव है जो प्रेजेंट टाइम में मोहनी खंडेहा क्षेत्र में लगता है जो मोहनी गांव है ये मोहनी है। और इसके आगे एक गांव है जो चकवा है। चकवा के बाद खंडेहवा है। खंडेहवा के बाद आपको पड़ेगा खंडेहा। जैसे कि आप देख रहे प्राथमिक विद्यालय है मोहनी का और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत दूर तक बसा हुआ है मोहनी गाँव। और जैसे कि हम डायरेक्ट रोड आएंगे डायरेक्ट ही जो सीधे रोड आपको लगी है ये खंडेहवा मतलब डायरेक्ट खंडेहा आपको ले जाएगी। खंडेहा से देवरा लुखरी हनुमानगंज होते हुए आपको दशरथ घाट अगर आपको जाना हो तो आप यही रोड से आप डायरेक्ट दशरथ घाट जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ई रिक्शा भी चलने लगे हैं इस रोड में अभी तक नहीं चलते थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोहनी हम क्रॉस होने वाले हैं और ये यहीं पे एक मौनी बाबा का आश्रम है जो मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो देव स्थान है यहाँ पे मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आगे जैसे आएंगे यहीं पे मौनी बाबा के नाम से मोहनी में एक स्थान प्रसिद्ध है ये यहीं पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग यहीं से आते जाते हैं और ये वही स्थान है जहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं यहीं पे नल वगैरह लगा है ये वही स्थान है मौनी बाबा स्थान। ये बगिया है मौनी बाबा की जो आप देख रहे हैं और यहीं से लोग अपने खंडेहा क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला जो खंडेहा में लगता है और दंगल भी लगता है आप यहीं से आइए और दंगल भी यहाँ पर लगता है खंडेहा में और मेले भी यहाँ पर लगता है। करीब 9 दिन का मेला होता है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय धान का सीज़न है यहाँ पे लोग धान लगाते हैं बजरा बुआते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह जो है जुताई वगैरह चल रही है हरियाली छाई हुई है लोग
हरी घास हर जगह हरियाली है, जैसे कि आप देख रहे हर जगह लोग घास वगैरह ले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं लालता मोहनी से खंडेहवा की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं, ये खंडेहवा है, जो ये रोड गई है खंडेहवा के नाम से प्रसिद्ध है और खंडेहवा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पुलिया है और इधर की रोड खंडेहवा के नाम से प्रसिद्ध है, दोनों रोडें। और आगे से भी एक रोड गई है जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, वहीं से जस्ट अंदर की तरफ गाँव की तरफ जो रोड चली गई है खंडेहवा के नाम से जानी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम चल रहे हैं खंडेहा लालता रोड से खंडेहा की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग साइकिल से पैदल भी खंडेहा से लालता रोड जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। ये वही रोड है जैसे कि आप देख रहे हैं खंडेहवा की तरफ जाती है। और यहीं से आप आगे देख रहे हैं, और जैसे कि आप आगे देखेंगे, यहाँ पर एक पोस्टर लगा है जो पेट्रोल पंप का इशारा देते हुए बताता है। और चकवा में जैसे कि आप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप भी एक खुला हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर मऊ में भरवाने पेट्रोल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुलने से लोग यहीं पे पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन इसमें अक्सर पेट्रोल नहीं रहता। कोई भी जल्दी यहाँ पे उम्मीद करके ना आए, चकवा में पेट्रोल पंप नहीं जल्दी मिल पाता है, ना पेट्रोल ना डीजल। जैसे कि आप देखें, चकवा का वही मंदिर है, जो ये चकवा का देवी मंदिर है, जो आप यहाँ पे आ सकते हैं। चकवा जैसे ही लगेगा, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग खंडेहा से यहीं पहले पड़ता है चकवा। जैसे कि आप देख रहे हैं, चकवा हम आ गए हैं। यहाँ पे रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ पे निर्माण बहुत जल्दी नहीं हो पाता। और जो भी सरकार इसमें पैसा लगाती है, इसमें कुछ परसेंट लगता है और बाकी सब लोग खा लेते हैं, रिश्वतखोर लोग। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं, चकवा गांव है, यहाँ पे रोड बनी हुई है, लेकिन सही ढंग से रोड नहीं बन सकी है। इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ी चौड़ी, और अगर मेन हाईवे मेन रोड है तो थोड़ा और चौड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम चकवा क्रॉस कर चुके हैं। और ये चकवा जैसे कि आप आगे अब देखेंगे, यहाँ से चकवा समाप्त हो जाता है और जाफरपुर लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं।